मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल की तरफ से बातचीत की गई और सरपंच जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। भूपेश्वर दयाल की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माने और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरपंचों का कहना है कि वो सीएम से मिलेंगे, सीएम से मुलाकात उनकी करवाई जाए और इसी बात पर अड़े हैं। वहीं ओएसडी भूपेश्वर दयाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वो सड़क पर ना बैठे, बातचीत के द्वार हमेशा ही खुले हैं और यह भी कहा गया है ओएसडी की तरफ से कि कुछ ही सरपंच ऐसे हैं जो ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। बात करें इनका डेलीगेशन, इट इज वेरी ओपन, द गवर्नमेंट इज वेरी ओपन टू डिस्कस एंड क्लियर एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द ई टेंडरिंग। सर मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने की बात की जा रही है। देखिए सी द गवर्नमेंट हैज टू, सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है, जनता के भी राइट्स को देखना है। जरूरी नहीं है कि सारे रिफॉर्म्स को सभी एग्री करें। इस बात के लिए मंत्री से काफी लंबे बहुत अच्छे में हैं। मैं फिर आपके माध्यम से सरपंचों को कहूंगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी मॉडर्न अप्रोच के साथ जनता के पैसे की का यूटिलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन देखा जाए। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सड़क के ऊपर अपनी प्रोटेस्ट करें। अगर बुराई नहीं तो फिर विरोध किस बात का? देखिए साहब, इस बात के ऊपर कोई भी नया काम आता है, आधार का विरोध एक डेढ़ साल चलता रहा, उसको लागू करने के बाद आज लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। ये रिफॉर्म है जो कांस्टेंट है, रिफॉर्म्स चलते रहते हैं। 25 लोगों का जो डेलीगेशन है इनके ऊपर उसकी सहमति नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग चाहते हैं कि एन ब्लॉक यहाँ पर बात हो, 25 लोगों के डेलीगेशन की सहमति नहीं है। सेकंडली इनकी बात जब मंत्री से ऑलरेडी चल रही है, जो सरकार के नुमाइंदे हमारी ओर से श्री देवेंद्र बबली मंत्री पंचायती विभाग है, उनसे ये बातचीत करें। और सरकार का एक स्टैंड है कि ई टेंडरिंग जो है वो इन जनरल पब्लिक के हक में है, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए है, उसका अपोजिशन सारे सरपंच कर भी नहीं रहे। सरपंचों के लिए बातचीत के द्वार खुले रखे गए हैं, एक दौर की बातचीत हम इनसे कर चुके हैं। इवन टुडे हम मना नहीं कर रहे, मैं अपने दफ्तर में ऑलरेडी 9-10 सरपंचों की डिमांड लेके आ रहा हूँ। मोस्टली सरपंच इस प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे। क्लियर बता दिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओएसडी भूपेश्वर दयाल की अगर बात की जाए, उन्होंने बातचीत की, काफी देर तक बातचीत हुई, सरपंच अपनी मांगों पर अड़े रहे। सरपंच बिल्कुल भी ये सुनने को तैयार नहीं है कि सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि ओएसडी भूपेश्वर दयाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये अपील की है कि सड़क पर ना बैठे, सड़क पर बैठकर कोई फायदा नहीं, आम जनता को परेशानी होगी और लगातार बातचीत की जा रही है। पंचायत मंत्री को इसके लिए अलग से यही जिम्मेदारी दी है कि वो आपसे बातचीत करें, आपकी परेशानियों को सुने, लेकिन बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं है सरपंच। सरपंचों का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो चाहते हैं कि ई टेंडरिंग को खत्म किया जाए और राइट टू रिकॉल को लेकर भी ये प्रदर्शन चल रहा है उनका। और भूपेश्वर दयाल एक बार फिर से मिलने के लिए पहुंचे और ये कहा गया भूपेश्वर दयाल की तरफ से कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, सभी सरपंच इस ई टेंडरिंग को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं और बातचीत के लिए रास्ते हमेशा से ही खुले हुए हैं। तो पंचकुला में सरपंचों को जो मनाने की कोशिश थी वो एक बार फिर से नाकाम साबित हुई है। सरपंच अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो सरपंचों से मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल की यह बातचीत हुई। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से। रवि, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है यहां पर, क्योंकि सरपंच जो हैं वो अपनी बात से बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है। ओएसडी ने एक बार फिर से कोशिश की, वो भी नाकाम रही। बिल्कुल विनय, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल आए थे, तमाम लोगों से बातचीत की गई, तमाम लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। सबसे पहली चीज तो ये कहा गया कि आप रोड पे बैठे हैं, कम से कम रोड को खाली कर दीजिए, आपको प्रदर्शन करना है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से रोड पर बैठकर आमजनों को परेशान करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार की बातें की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में तमाम जो बातें हैं उनकी तरफ से ये कहा गया, मुख्यमंत्री से बातचीत करके आया हूँ और कहीं ना कहीं बैठकर जो है तमाम चीजें सुलझाई जा सकती है। टेबल टॉक जो है वो जरूरी होता है किसी भी समाधान के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम सरपंचों की तरफ से एक ही बात की जो रट है वो लगाई गई थी, एक ही बात जो है वो कहते हुए नजर जरूर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से उनसे उनको मिलना है और अगर बातचीत करानी है तो मुख्यमंत्री से कराएं, इसके अलावा उनको कोई मंजूर नहीं है। ई टेंडरिंग व्यवस्था जो लागू की है सरकार ने, उसको वापस करने की जो मांग है वो लगातार करते रहे। इसके साथ साथ उनकी दूसरी मांग जो है, बड़ी मांग है, वो कहीं ना कहीं जो जो पॉलिसी लेके आई है सरकार,
कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि तमाम अधिकार जो है पंचायत के तमाम अधिकार जो है वो उनको मिलने चाहिए। इस प्रकार की बात करीब 29 ऐसे अधिकार जो है वो गिनाए जा रहे हैं कि जो सरपंचों के पास होने चाहिए, पंचायत के जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। इस प्रकार की बात जो तमाम सरपंच करते हुए नजर आए। जब मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी के साथ बातचीत नहीं बनी तो कहीं ना कहीं जो है तमाम जो लोग हैं वो धरने स्थल पर पहुंचे और उसके बाद थोड़ा सा उग्र जो रूप है तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से अपनाया गया। कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की गई। बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद की अगर बात की जाए विनय, तो कहीं ना कहीं हल्का बल प्रयोग जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया। तमाम जो बैरिकेटिंग है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया गया। पीछे से कुछ सामाजिक तत्व कह लीजिए या शरारती तत्व कह लीजिए, उनकी तरफ से पथराव किया गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जवाबी रिएक्शन में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन जो है वो चलाया गया और तमाम प्रदर्शनकारी सरपंच थे वो अपनी जगह से बैकफुट पर जाते हुए नजर आए। हल्का बल प्रयोग जरूर किया गया है, लाठीचार्ज जरूर किया गया है, लेकिन बाहर से मामला प्रदर्शन को उग्र करने की जरूरत क्या है? अगर आप धरने पर बैठ गए हैं, आपने वहाँ, पहली बात तो आपसे अपील की जा रही है कि आप वहाँ धरने पर ना बैठे, फिर भी आप वहाँ पर बैठ गए हैं, तो फिर इसको प्रदर्शन को उग्र करने का मतलब क्या? मतलब इससे तो और ज्यादा परेशानियां और बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यही कहते हुए नजर आ रहे थे। जब सरपंच प्रतिनिधि लोगों को समझा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनसे संबोधित कर रहे थे तमाम अपने साथियों को, तो उसमें एक ही बात कही जा रही थी कि आगे बढ़ने दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, अगर नहीं बढ़ने दिया जाता तो इसी जगह को पक्का मोर्चा जो है वो बनाया जाएगा, यही को पूरा जो धरना है वो रहने वाला है। जब तक बात नहीं मानी जाती यही पक्का धरना रहेगा। लेकिन कुछ शरारती तत्वों की तरफ से जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई, तो कहीं ना कहीं उसका एक्शन का रिएक्शन है वो देखने को मिला। और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी हल्की बलपूर्वक कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज जो किया है वो किया गया, वाटर कैनन जो है 10 से 20 सेकंड के लिए चलाया जरूर गया था, लेकिन तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि थे उनके साथ आए जो साथी थे पंच मेंबर्स थे वो अपनी जगह से बैकफुट पर भागते हुए नजर आए। जी नहीं, अभी ये कोई भी एक डेलीगेशन होता है, जब भी हम देखते हैं कि इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है तो कुछ प्रतिनिधि जरूर होते हैं जो चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों का अभी क्या कहना है? देखिए अब दोबारा से चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उनकी तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेंट है उस पूरे आंदोलन को, वो डेंट वो कुछ पत्थरबाज जो है वो करके चले गए हैं। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल जो है पूरा धरना जो है वो चल रहा था, लेकिन कुछ एक शरारती तत्व जब किसी भी आंदोलन में घुसते हैं या फिर कुछ प्रकार की और बातें होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो देखने को मिला और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से इसका रिएक्शन जो है वो देखने को मिला। हाँ, और फिलहाल अगर बात की जाए ये जितनी देर बातचीत हुई ओएसडी की तरफ से, तो उसमें आपको क्या लगा, मोटे तौर पर क्या निकल कर आया, सरपंच किस बात को लेकर अड़े हुए हैं मेन तौर पर? देखिए विनय, बात जो मुद्दे हैं, मुद्दे दो है या तीन ही हैं। राइट टू रिकॉल की बात जो है तमाम सरपंच कहते हुए नजर आ रहे हैं, ई टेंडरिंग व्यवस्था को बदलने की बात यानी कि पूरी तरीके से वापस लेने की बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री से बात करने की बात जो है वो करते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री से बात करने के अलावा उनको कोई मंजूर नहीं है, क्योंकि भूपेश्वर दयाल ने उनको लगातार समझाया कि इस प्रकार से मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके आया हूं, उनकी तमाम आपकी तमाम जो मांगे हैं उनके संज्ञान में है, आप बैठ के बात तो कीजिए, आप टेबल टॉक तो कीजिए, आप मिलिए तो सही तमाम लोगों से, उसके बाद कोई समाधान निकलेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक ही बात की गई थी, आर या पार की जो बात है वो लगातार जो है सुबह से चर्चा में यहाँ चल रही है, या तो हम यही पक्का धरना देंगे या फिर आज जो है इस कानून को, इस जो योजना है या ये पूरा जो ई टेंडरिंग का जो मामला है इसको रिपील कराने की बात जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा अगर भड़का है, पूरा जो मामला गरमाया है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ एक पत्थरबाजों की वजह से गरमाया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा क्योंकि देखिए पूरा शांतिपूर्ण सुबह से लगातार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा धरना जो है वो दिया जा रहा था, लेकिन आखिरी में आते आते धरना जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है, पुलिस की तरफ से भी एक्शन जो है वो लिया गया है और तमाम प्रदर्शनकारी के पीछे जो कुछ एक लोग छिपे थे उनकी तरफ से पत्थरबाजी भी की गई है। हालांकि पत्थर किसको लगा है किसको नहीं लगा, हालांकि एक दो लोग ऐसे जरूर मिले थे जिनके फेस पर जो है खून के निशान जरूर देखे जा सकते थे, पत्थर जो लगने के निशान वो देखे जा सकते थे, लेकिन कितने लोग इसमें घायल हुए वो अभी कहना संभव नहीं है। जी
एक आखिरी सवाल आपसे लेना था रवि कि अभी क्योंकि आप वहाँ लगातार मौजूद हैं, आप लगातार दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अभी आपको क्या लगता है दोनों पक्षों की तरफ से? आपने उनका रवैया देख लिया है, ओएसडी की बातचीत को हमने भी सुन लिया, इधर सरपंचों की बात को भी सुन लिया, अभी आगे आपको क्या लग रहा है कि अब आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों की अगर बात की जाए, ये बात कहाँ तक पहुँचती नजर आ रही है? देखिए, लगातार सरपंच जो हैं वो बैकफुट पर जरूर रहे हैं, पीछे जरूर गए हैं, लेकिन एक बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि यहीं पक्का मोर्चा जो है वो लगाया जाएगा, यहीं से जो है अपनी मांगे बनवाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा, सरकार को झुकाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है, अब वो किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, तमाम जो सरपंच हैं, जो मेन मेंबर्स हैं उनके डेलीगेशन में, वो आपसी जो रणनीति है वो बना रहे हैं, किस प्रकार से आगे की रणनीति तय करनी है, किस प्रकार से आगे का आंदोलन जो है वो चलाना है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है, आगे क्या करना है। लेकिन बाकी जो बचे लोग हैं, कुछ एक प्रतिनिधि मंडल हैं, माफ कीजिए, कुछ एक जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उनके साथ मेंबर्स हैं, पंच हैं, उनके साथ आए लोग, तमाम लोग हैं, वो डटकर इंतजार कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, वो एक जगह बैठकर इंतजार कर रहे हैं फिलहाल। और पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं, 8 से 9 फीट की जो बैरिकेटिंग है वो लगाई गई है, तमाम एंटी रॉयड व्हीकल जो है वो डिप्लाई कर रखे हैं, किसी प्रकार की हिंसा ना हो उसको, उनसे निपटने का पूरा प्रयास चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर कर रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बातचीत करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बातचीत बनती नजर नहीं आ रही है। ओएसडी को हमने सुना, मुख्यमंत्री के भुवेश्वर दयाल को, उन्होंने बातचीत की, काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन एक जो रवैया सरपंचों का था वो इसी पर था कि वो अड़े हुए थे, मुख्यमंत्री से बात करनी है, इससे नीचे वो कुछ नहीं चाहते फिलहाल।